आज हमारी टीम जो होलंगी में एस्टेब्लिश है, जवान साथियों के द्वारा एक कंट्रीब्यूट, एक राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया होलंगी के ग्रामवासियों के में। और ये जो राशन था हमारे सभी जवान साथियों ने कंट्रीब्यूट किया था, उन परिवारों को हम लोगों ने दिया जो लॉकडाउन के वजह से जिनके घरों में कामकाज बंद हो गया, जिन्हें खाने का कुछ दिक्कत हो रहा, तो उन लोगों को हम लोगों ने चावल, दाल, चना, आलू, प्याज, ये सब चीज़ों को देने का प्रयास किया ताकि उनके घरों में कुछ समस्या हल हो सके। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया, लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहा कि जो कोविड से लड़ने का है, हम तभी लड़ सकते हैं जब हम जो नियम बनाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का प्रयोग करने का, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का, घरों में रहने के बताया गया है। तो हमारे जवान साथियों के द्वारा ये शो भी किया गया कि आप किस प्रकार से कोविड से लड़ सकते हैं और अपने राज्य को सुरक्षित बचा सकते हैं। जो हमारा राज्य ग्रीन जोन में शामिल है, इसको कैसे हम आगे भी जारी रखेंगे। 200 परिवारों को हमने आज देने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि मैंने पूरे 200 परिवार को टच किया, क्योंकि जितने भी हमने उम्मीद किया था सभी लोगों ने यहाँ पे आए और अपने राशन को प्राप्त करके वो ले गए। सभी जवान हमारे इस दुखद, जो हमारे देश इस दुखद घटना से गुजर रही है, उसमें सभी जवान साथियों के द्वारा जिसको जितना कंट्रीब्यूट करने का इच्छा हुआ, उस सभी ने कंट्रीब्यूट किया और लोगों तक ये राशन पहुँचाने का प्रयास किया। और सभी खुश हैं, हम लोग सभी जवान साथी खुश हैं। भारत माता की जय। हम लोग सभी खुश हैं कि आज हमने अपने देश के देश ग्रामवासियों को हमने ये राशन मुहैया कराया और आगे भी हम लोग इस तरह का काम जारी रखेंगे। 12 बटालियन NDRF अभी तक जो कोविड से लड़ने के लिए हमारी तो ऑलरेडी टीम अलर्ट है कि किसी भी विपत मुसीबत से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके अलावे भी हम लोग इस अरुणाचल राज्य में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, सैनिटाइजेशन का प्रयोग चलाया, जहां विभिन्न जगहों पे आज भी हमारा जो टीम है धेमाजी में, यूपिया में, इस तरह का प्रोग्राम सैनिटाइजेशन का, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, हर जगह पर ये काम चल रहा है। आज ये सुबह का 10 बजे कल से हम लोग को ये खबर मिल गया था कि NDRF जवान लोग बस्ती का जो बहुत तकलीफ कर देता हुआ है लॉकडाउन में, तो उसको चावल बांटने के लिए बोला। तो आज हम लोग सब इकट्ठा हुआ है ये पतिला स्कूल ग्राउंड में। कम से कम 200 परिवार को आज NDRF वालों ने चावल दिया है, साथ में ठेल, आलू, प्याज करके दिया है सब परिवार को। और हम लोग बहुत खुश है उन लोगों का काम से। और ये लॉकडाउन में हम लोग सच में बहुत तकलीफ होकर बैठा था, ना उधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, बीच में फंस के बैठा हुआ था। और हम लोग जो लॉकडाउन का जो गवर्नमेंट का नियम को पालन करके चुपचाप बैठा है, इसमें कष्ट में आज जो NDRF ये जवान लोग हम लोग को मदद किया, हम लोग बहुत खुश है और आगे भी सोचते हैं लोग ऐसे ही करते जाओ।